मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग TGT कला के लिए समकालीन चित्रकला से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, इटली में बरोक कला पनपी। चार विकल्प, जो सही विकल्प है ऑप्शन ए 16वीं सदी में। तो इटली में बरोक कला 16वीं सदी में पनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? तो इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन सी विवान सुंदरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ मुक्त जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता है। तो जो सही विकल्प है ऑप्शन सी विवान सुंदरम। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गीता कपूर कौन है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी इतिहास तथा कला समीक्षक, इतिहासकार तथा कला समीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सुधीर पटवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सुधीर पटवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार कौन है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अतुल डोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी समीक्षावादी चित्रकार जो हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी समीक्षावादी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी काशी शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन कलाकार ऑफ आर्ट से जुड़ा नहीं था? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट रोसनबर्ग ऑफ आर्ट से नहीं जुड़े थे, बाकी तीनों लोग जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ओपी कलाकार का नाम बताइए, इसका जो सही विकल्प होगा बासा रेली, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अंदित किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रूबेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रूबेंस। पेरिस का निर्णय कलाकार कौन थे? रूबेंस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? तो इनका जो प्रसिद्ध चित्र है ऑप्शन डी द रेफ ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसियस, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उस कलाकार का नाम दें जो अवंत गार्डे फ्रांसीसी चित्रकला मूर्तिकला मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और उनको वास्तुकला का जनक भी माना जाता था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मार्सल धोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मार्सल धोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसके चित्रित या किसने चित्रित किया? इसका जो सही विकल्प होगा मार्सल धोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कलाकार को पहचाने जिसने न्यू डेस्टिंग ए स्टेयर केस 1912 की चित्रकारी की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मार्सल धूसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक कला के बेदू का स्थान क्या था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी फ्रांस। आधुनिक कला के वादो का जन्म स्थान फ्रांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कार्ल आंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अपने चित्र में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता था? तो इसका जो सही विकल्प होगा भारती खेर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रोकोको कला विकसित हुई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी फ्रांस में। तो रोकोको कला कहाँ विकसित हुई? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मैन द डॉग शिल्प कला है, इसका जो सही विकल्प होगा ध्रुव मिस्त्री की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, रेम्ब्रा किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी बरोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा प्रकाश एवं छाया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, रेम्ब्रा को जाना जाता है उनके, चार विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प होगा नाटकीय प्रकाश के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया है किसने? ऑप्शन सी इसका सही है रेम्ब्रा ने, रेम्ब्रा की प्रसिद्ध चित्र है लेटी हुई लड़की। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, तीन पेड़ किस कलाकार की कृति है? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन बी रेम्ब्रा, रेम्ब्रा का एक प्रसिद्ध चित्र है तीन पेड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, एक डच कलाकार ड्राफ्ट्समैन एंड प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृत तीन गायक जिसने चित्रित किया खालिस्तान भरना? तो उसका जो सही विकल्प होगा रेम्ब्रा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृत है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रेम्ब्रा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन सा था? तो इसका जो सही विकल्प है काराबेजियो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, काराबेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बोरोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, रीतवाद का कलाकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पार्मिजियानिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है? इसका जो सही विकल्प होगा इंग्रेस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, यंग वुमेन विद ए वाटर जग को किसने चित्रित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा जान वार्मियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन दृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? तो इनका जो सही विकल्प होगा सतीश चंद्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जयकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी प्रोफेसर मदनलाल। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, प्रोफेसर मदनलाल नागर थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा तो ऑप्शन ए चित्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा मदनलाल नागर, इनका प्रसिद्ध चित्र है लखनऊ का चित्र। ठीक, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन सक्कर के साथ जेम्स वांड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन हैं? ऑप्शन डी इसका सही है अतुल डोडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, किस कलाकार ने मैरिज एला मोड श्रृंखला चित्रित की है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगार्थ, विलियम होगार्थ। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी क्लाउड गेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, एस जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मूर्तिकार के रूप में विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अवधेश मिश्रा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन चंपा ग्रुप अप इस श्रृंखला चित्रों की रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नीलमा शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषय में
विषय से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ओलेगजेंडर काल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे, उस कला आंदोलन की पहचान करें, तो इसका जो सही विकल्प हुआ ऑप्शन बी कैनेटिक कला। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी संकल्पनात्मक कला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। किस स्थापितविद ने गतित स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी ओलेगजेंडर काल्डर, ऑप्शन डी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियो प्लास्टिज्म का प्रयोग किया है, तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन बी मोंद्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो निर्मित वास से जुड़ा था, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी गेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। पिचासनियों की सभा किसकी कृति है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी गोया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए, तो इसका जो सही विकल्प होगा नसरीन मोहम्मदी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजेर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी भूपेन सक्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलमा शेख की कृतियाँ कलाकृतियाँ इनमें से प्रभावित हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऊपर सभी सही हैं अर्थात मुगल लघुचित्र, जापानी बुटकट और पाश्चात्य आधुनिकता, नीलमा शेख की कलाकृतियाँ इससे प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर 60। खाली स्थान भरना के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी मछली और शंभू के रूप में देख सकते हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा ए रामचंद्रन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी प्रभाकर वरवे, एक तंत्र कलाकार माने जाते हैं। अगला तुलिका एक और तालिका एक, तालिका को दो को मिलाना है, तो इसका जो सही मिलान होगा, तो चलिए मिलाते हैं माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो की जो चित्र है एडम की उत्पत्ति, ऑप्शन आ को 4 से मिलाएंगे। लियोनार्डो, तो लियोनार्डो विंसी का सबसे प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा, इसको 1 से मिलाएंगे। राफेल का जो प्रसिद्ध है सिस्टीन मैडोना राफेल का है, और रेम्ब्रा का है चित्रकार एवं उसकी प्रथम पत्नी, तो इस तरह से आप मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी एफ एन सोजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। पैक के सचिव का नाम बताइए, तो इसका जो सही विकल्प होगा एफ एन सूजा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। प्रगतवादी समूह के कलाकार की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मुंबई में। प्रगतवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन है, तो इसका जो सही विकल्प होगा, तो इसके कलाकार इसमें सैयब मेहता हैबर और गुलाम शेख गायतोंडे दिया गया है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के कलाकार नहीं हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे, तो इसका जो सही विकल्प होगा बी एस गायतोंडे बॉम्बे ग्रुप के नेता। अगला देखते हैं, इतना ही क्वेश्चन था। तो आपको ये प्रश्न श्रृंखला कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगले श्रृंखला में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।